हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। पोस्ट ऑफिस में फिर से बहुत बढ़िया भर्ती निकल के आया है। डाक विभाग ने आज फिर से आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ पोस्ट ऑफिस के MTS की जो पोस्ट है उसके बारे में बात करने के लिए। इस पर पोस्ट ऑफिस ने MTS की पोस्ट के अंदर रिक्रूटमेंट निकली है जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। पोस्ट विभाग के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज है जिसमें आप 10वीं पास करके आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। बिना कोई एग्ज़ाम दे के आप लोग MTS की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते। चलिए दोस्तों, पूरा अपडेट आप लोगों को दिखाऊंगा जहाँ पे आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड पोस्टल असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकली है जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। आज बात करने वाला हूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जिसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस जिसमें ऑफिशियली सब कुछ मेंशन किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं इसको आपको ध्यान में रख के फॉर्म को फिलअप करना होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बहुत बढ़िया मौका निकली है पोस्ट ऑफिस की तरफ से जहाँ से जल्द आपको एप्लीकेशन करना होगा। एक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को दिखाऊंगा जहाँ पे आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी बात करने वाला हूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल है एप्लीकेशन करना चाहते उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। चलिए बात करने वाले हैं इसी के बारे में। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए रखा गया है एज लिमिट जो है 18 से 25 ईयर्स तक, जिसमें एज रिडक्शन भी मिल जाएगा 35। यहाँ पे जो रखा गया है 18 से 25 ईयर्स तक की कैंडिडेट की जो एज लिमिट रखा गया है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट को रखा गया है। इसी के अलावा अगर आप लोग देखोगे आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीज़न, इसके लिए अलग से जो है एज रिडक्शन आपको मिलेगा। एप्लीकेशन करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 10th पास। अगर आप 10th पास है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो एप्लीकेशन करने के लिए। कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस या कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप 10th पास है तो डेफिनेटली आप लोग फॉर्म फिलअप करने की मौका आपको दिया जा रहा है जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। 10th पास लेके आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। साथ ही साथ अगर आप लोग देखोगे तो 2 ईयर्स की जो है यहाँ पे भी आपको एज रिडक्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट भी यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तो यहाँ पे आपको जो है 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चाहिए, नो एप्लीकेशन फ़ीस, जिसमें आप लोग डायरेक्ट जो है यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो यहाँ पे आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए एज रिडक्शन भी मिल जा रहा है। एंड ये जो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ऑल इंडिया बेसिक जॉब है जिसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते ऑल इंडिया बेसिस जॉब वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को और एक बात बताऊँगा, अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करने के लिए किस तरह से क्या करना है उसका भी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो इस चीज़ों को ध्यान में रखना होगा एंड देन आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो यही था आज की वीडियो। अगर पसंद आया डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए डेफिनेटली आप लोग विजिट कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें भी और भी बहुत सारे अपडेट निकल के आया है। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो देन कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।